हे गाइस, दिस इज रंजीत और आज हम घूमने आए हैं नेशनल म्यूजियम, जिसे हिस्ट्री म्यूजियम के भी नाम से जानते हैं। और ये लोकेटेड है दिल्ली में, जो कि जनपथ में है, और ये नियरेस्ट पड़ेगा आपके इंडिया गेट के पास, जहाँ से आप इजीली आ सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, ये दिल्ली का ही नहीं इंडिया का भी सबसे बड़ा म्यूजियम है और सबसे पुराना म्यूजियम है। यहाँ पर देखने के लिए, जैसा आपकी नाम से आप जानते हैं कि इसे हिस्ट्री म्यूजियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री है। जो भी हमारी इंडिया की हिस्ट्री थी, आज से 100, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुरानी चीज़ें, इवन हड़प्पा तक के सभ्यता जो थी, उनके जो कलेक्शन है, वहाँ से जो चीज़ें निकाली गई हैं, उन तो यहाँ पर सारी इकट्ठी की गई हैं। सभी का एक अलग कलेक्शन बनाया गया है, गौतम बुद्ध से लेकर के जितने भी राजा महाराजा थे, सभी का यहाँ पर एक कलेक्शन बना हुआ है। तो इसे हिस्ट्री म्यूजियम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिस्ट्रियों का कलेक्शन है। एक ये, जैसा कि नाम से पता चला कि ये नेशनल म्यूजियम है, मतलब इंडिया का राष्ट्रीय म्यूजियम भी है, और ये इंडिया का ही सबसे पुराना और सबसे फेमस म्यूजियम है। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो भारत आज़ाद होने के सन, जैसे कि आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तो इस म्यूजियम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 1949 में, और तब से इतना साल पुराना हो गया है, 60-70 साल पुराना म्यूजियम हो गया है। बट वो लगता ही नहीं कि कहीं से भी 60-70 साल पुराना म्यूजियम हो गया है। तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो तक, अंत तक देखिएगा। अगर आप आने के लिए यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो आप बाई ऑटो भी आ सकते हैं, बाई कैब भी आ सकते हैं। वैसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपके यहाँ जनपथ ही पड़ेगा, वहाँ से आप इजली मेट्रो लेने के बाद आप ऑटो कर सकते हैं और 5-10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर बात करें टाइमिंग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप आ सकते हैं। क्लोज ऑन मंडे, मंडे को बंद रहेगा ये म्यूजियम, तो मंडे को ना आएँ, और हॉलीडेज़ में जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होते हैं वहाँ पर बंद होते हैं। तो चलिए म्यूजियम को देखते हैं, क्या क्या देखने लायक है और क्या क्या यहाँ पर कलेक्शन है, वो सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में और एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और चलने से पहले यहाँ पर एंट्री फीस भी होती है, तो एंट्री टिकट लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए पहले एंट्री टिकट ले लेते हैं। भैया, 2 टिकट देना। तो ये हमने 2 टिकट ले लिए हैं, 20 रुपये की एक टिकट है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं आराम से टिकट, बिना टिकट के कोई एंट्री नहीं है। ये रही हमारी टिकट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हिस्ट्री म्यूजियम है, और इस हिस्ट्री म्यूजियम की खुद की एक अपनी हिस्ट्री है जो कि बहुत ही पुरानी है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 15 मई सन 1949 ईस्वी को हुई थी। इस बिल्डिंग का, जो नेशनल म्यूजियम की बिल्डिंग है, उसका जो आर्किटेक्ट तैयार किया गया है वो मिस्टर गणेश भिकाजी द्वारा तैयार किया गया है, जबकि इसका जो नींव रखी गई है वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई है। इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेशनल म्यूजियम को और एक्सप्लोर करते हैं अपनी हिस्ट्री को, अपनी इंडियन हिस्ट्री को। आज से लगभग 5000 साल पुरानी चीज़ों का यहाँ पर कलेक्शन हो रखा है। और इसमें अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो है, तो वो 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ वस्तुओं का संग्रह हो रखा है। तो ये म्यूज़ियम का हॉल है, जो जैसे ही आप इंटर करते हैं तो ये आपको हॉल एक देखने को मिलेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे नेशनल म्यूज़ियम में, और ये रास्ता है जो अंदर म्यूज़ियम को जाता है। तो चलिए देखते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या देखने के लिए है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको एक ये ग्राउंड में एक खूबसूरत सा लॉन मिलेगा, जो कि ये बेसिकली जो बिल्डिंग बनी है नेशनल म्यूजियम की, वो गोल बनी है
और गोल बनने की वजह से बीच में एक खाली जगह है जहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल की मूर्तियाँ भी अभी भी रखी हुई आप देख सकते हैं आराम से। और यहाँ पर बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जब भी आप आएँ तो यहाँ म्यूज़ियम में तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ये म्यूज़ियम की पूरी बिल्डिंग है जो कि चारों तरफ गोल बनी हुई है और ये बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देखते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या देखने के लिए है। ग्राउंड फ्लोर पे ये एक मैप बना हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम तल पर क्या लिखा है, विशेष प्रदर्शनी सिक्के, पांडुलिपियाँ, मध्य एशियाई पुरातत्व, द्वितीय तल पर वस्त्र एवं विभूषण और सब कुछ अस्त्र शस्त्र और क्या क्या है इसमें, विविधताएँ, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य, सुंग, कुषाण, गुप्तकालीन, कांस्य। तो यहाँ पर सब कुछ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है। तो चलिए आपको मज़ा आएगा इसे देखने में और बहुत ही मज़ा आने वाला है आई एम श्योर। जैसे ही आप इस गेट से एंट्री करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जस्ट राइट हैंड में सबसे पहला जो पड़ेगा वो पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से आप एंट्री करेंगे और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या है यहाँ पर। तो आप जो ये देख रहे हैं ये हड़प्पा सभ्यता से के अवशेष हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे उन सभी को यहाँ पर एकत्रित करके इस म्यूज़ियम में रखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं मौर्य और सुंग वंश का जो भी हमें हिस्ट्री है, जो मौर्य और सुंग वंश की जो हिस्ट्री से हमें प्राप्त हुआ है अवशेष वो हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर उनका जो कलेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो उनके बिल्डिंग और जो उनकी हिस्ट्री थी उसका एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं ये इच्छाकोर कुषाण समय की जो सभ्यता की समय की जो हिस्ट्री है उसका एक कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ महात्मा बुद्ध जो थे उनसे रिलेटेड, उनके हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो चलिए आप देखते हैं भारतीय चित्रकला की प्रदर्शनी। यहाँ पर जो कलेक्शन आप देख पाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आज से लगभग 1000 साल पुरानी जो चित्रकारी थी उसके जो भी हिस्ट्री है उसका जो कलेक्शन है ये यहाँ पर हो रखा है और ये बहुत ही बड़ा है कलेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी चित्र और जितने भी पिक्चर्स हैं उन सभी का कलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय लिपियाँ और भारतीय सिक्कों की जो भी अपनी हिस्ट्री थी उसका यहाँ पर कलेक्शन हो रखा है। यहाँ पर म्यूज़ियम में ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉइन्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉइन्स है उन सभी का कलेक्शन है यहाँ पर। आज से 1000 साल पुराने जो भी कॉइन्स चल रहे थे इंडिया में उन सभी का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है।
तो जो अगला सेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि जो सजावट की चीज़ें हैं उनका कलेक्शन है यहाँ पर। ये बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है और आप देखेंगे तो मतलब देखते ही रह जाएंगे, इतना ही खूबसूरत ये कलेक्शन है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कांस्य प्रतिमाओं का कलेक्शन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि बाकी आपने देखा होगा जो कलेक्शन था वो उतना ही प्यारा ये भी कलेक्शन है। यहाँ पर कांस्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उन सभी का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। इन सभी चीज़ों को कांच के अंदर रखा गया है क्योंकि इन्हें छूने नहीं दिया जा रहा है। बाकी चीज़ें तो कुछ खुले में थी बट ये बिल्कुल कांच के अंदर ही है। तो चलिए अभी तक जो हम देख रहे थे कलेक्शन वो था सारा ग्राउंड फ्लोर का। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में आपने देखा था कि वहाँ पर एक मैप लगा हुआ था कि फर्स्ट फ्लोर पे ये, सेकंड फ्लोर पे ये है। अब हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो भी होता है मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाता हूँ। अभी हम पहुँचे हैं अजंता हॉल जो कि बंद है अभी। यह है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट, जहाँ पर आप मास्टर एंड डॉक्टरेट कोर्स कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उत्तर पूर्व भारत की जो जनजातियाँ थी उनकी जो जीवन शैली से रिलेटेड एक कलेक्शन है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो थे बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट, उन सभी का यहाँ पर कलेक्शन हो रखा है। ये कलेक्शन फर्स्ट फ्लोर में ही है और ये बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वुड कार्विंग। बेसिकली ये जो कलेक्शन है ये लकड़ी से बनी चीज़ों का एक कलेक्शन है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लकड़ी का दरवाज़ा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये थी हमारी वीडियो नेशनल म्यूजियम के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की हिस्ट्री से रिलेटेड सभी चीज़ों का जो भी कलेक्शन था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।